हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ है 40 बाई 55, 40 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 55 फीट प्लॉट की लंबाई है और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी की नहीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं प्लॉट की चौड़ाई की, जो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विड्थ है वो है 40 फीट, 40 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और प्लॉट की जो लेंथ है हमारी यहाँ से लेके ये यहाँ सामने तक वो है हमारे पास 55 फीट, 55 फीट प्लॉट की लंबाई है और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड नॉर्थ साउथ और ईस्ट तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी की नहीं और का भूखंड है। तो चलिए पश्चिम दिशा से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पश्चिम दिशा से देखिए, सबसे पहले हमारे पास 10 फीट का मेन गेट आ रहा है। इसको हम जैसे ही खोलते हैं, एंटर होते हैं, तो हमारे पास आ रही है पार्किंग, जो कि 2 गाड़ियों की पार्किंग है। आराम से आप 2 कार यहाँ पर पार्क कर सकते हो, जिसकी साइज है हमारे पास 16 फीट बाई 17 फीट 9 इंच, 17 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इस तरफ हमने 5 फीट का सामने पैसे छोड़ा, मतलब 5 फीट जगह छोड़ने के बाद हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, ठीक है। और अगर बात करते हैं उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा की तरफ हमने भी सामने से लेके पीछे तक पूरा 3 फीट का पैसे छोड़ा। ये देखिए उत्तर के अंदर भी पूरा 3 फीट का पैसेज है और पीछे पूर्व दिशा के अंदर भी 3 फीट का पूरा पैसेज है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से सामने से वापस स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे होगी कार पार्किंग। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे जैसे 3 स्टेयर अप करते हैं, हमारे पास आ रहा है 3.5 फीट का दरवाज़ा, और जो कि खोलते हमें गेस्ट रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये हमारा गेस्ट रूम है और इसकी साइज़ है हमारे पास 12 बाई 12 का गेस्ट रूम है, जिसकी 1 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो पार्किंग की तरफ निकल रही है। और इसके अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और अटैच टॉयलेट है, जिसकी साइज़ है 6 फीट बाई 5 फीट है, 7.5 इंच, 6 फीट ऐसे और 5 फीट 7.5 इंच जैसे ये अटैच टॉयलेट हो गया। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन इधर उत्तर दिशा की तरफ हमने जो 3 फीट का पैसे छोड़ा है उसके अंदर निकल रहा है, ठीक है। और गेस्ट रूम का 1 3 फीट का दरवाज़ा घर के अंदर खुल रहा है, ठीक है। अब गेस्ट रूम से ऑफिस बाहर आते हैं तो ये पार्किंग, और यहाँ से 3 स्टेप करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 4 फीट का घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाज़ा, ठीक है। इससे हम एंटर होते हैं, तो एंटर होते ही इसके जस्ट पास में देखिए स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे और 7 फीट बाई 3.5 फीट स्टेयर केस का लैंडिंग है, ठीक है। और मेन डोर के इस तरफ ये हो गया 3 फीट गेस्ट रूम का अंदर वाला दरवाज़ा और इस तरफ हो गया ये हमारा 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी साइज़ है हमारे पास 12 बाई 13, 12 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो भी उत्तर दिशा के अंदर निकली है और इस बेडरूम के अटैच के अंदर भी ये देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और 6 बाई 6 का अटैच टॉयलेट है। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है, ठीक है। अब इस बेडरूम से ऑफिस बाहर आते तो ये देखिए हमारे पास आ रहा डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसके पास हमारे पास साइज़ है 18 फीट 3 इंच बाई 16 फीट, 18 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 18 फीट 3 इंच बाई 16 फीट का डाइनिंग और लिविंग एरिया है। और स्टेयर केस के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारे 5.5 फीट बाई 6 फीट का कॉमन टॉयलेट आ रहा है, 5.5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। इसका वेंटिलेशन हमारा स्टेयर केस के नीचे निकल रहा है, ठीक है। कॉमन टॉयलेट के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा स्टोर रूम आ रहा है, जिसकी साइज़ है 5.5 फीट, 5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे, ये हमारा 5.5 फीट का स्टोर रूम है। और स्टोर रूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए ये 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा किचन आ रहा है, किचन की साइज़ है हमारे पास 10 फीट बाई 10, 10 बाई 10 का किचन है। इसकी 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है, पूर्व दिशा के अंदर हमने किचन के लिए यूटिलिटी छोड़ी। अब यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ तक तो 3 फीट का पैसेज आ रहा है हमारा और यहाँ पर हमने 6 फीट का पैसेज दे दिया, पीछे छोड़ दिया, ताकि किचन के लिए अगर आप बर्तन वगैरह साफ़ करो तो यहाँ पर आराम से जाके साफ कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जाने के लिए किचन से 2.5 फीट का दरवाज़ा दे रहेगा, ठीक है। अब किचन से वापस बाहर आते तो किचन के पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी साइज़ है 11 फीट 7.5 इंच बाई 13 फीट, 11 फीट 7.5 इंच ऐसे और 13 फीट ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो भी पीछे पूर्व दिशा के अंदर। इस बेडरूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 1.5 फीट का दरवाज़ा और एक और बेडरूम आ रहा है, जिसकी साइज़ है 12 बाई 13, इसकी 1 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर और 1 4 फीट की विंडो इधर उत्तर दिशा के अंदर। और इस बेडरूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3 फीट का दरवाज़ा और 4.5 फीट बाई 5 फीट का पूजा रूम आ रहा है, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी हमारा पीछे उधर उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये पश्चिम दिशा हुई, ये हमारा पार्किंग, ये सामने 5 फीट का पैसेज और उत्तर दिशा की तरफ ये देखिए पूरा 3 फीट का पैसेज और पीछे पूर्व दिशा के अंदर भी 3 फीट का पैसेज और यहाँ किचन तक 6 बाई 10 के अंदर 6 फीट ले रखा हमने, ठीक है, पैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो कार पार्किंग, ये गेस्ट रूम, इस गेस्ट रूम का अटैच टॉयलेट, ये हमारा मेन डोर, मेन डोर के पास में स्टेयर केस और इस तरफ बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट, स्टोर रूम और यहाँ पर ये पूजा रूम, ये बेडरूम, बेडरूम और किचन, और किचन के पीछे यूटिलिटी। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो 40 बाई 55 प्लॉट की साइज़ है, जिसके अंदर मैंने टोटल 3 तो बेडरूम है
एक कॉमन टॉयलेट है और एक गेस्ट रूम है, और एक बेडरूम का अटैच टॉयलेट है और एक गेस्ट रूम का अटैच टॉयलेट है, स्टेयर केस है, स्टोर रूम है, पूजा रूम है, और दो कार पार्किंग है और किचन है। और इस प्रकार से इसको मैंने डिजाइन किया है। और रूम की जो भी साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज है। ये देखिए 40 फीट फ्लोर की चौड़ाई हो गई, ये 3 फीट का पैसेज, यहाँ पर 6 फीट का, ठीक है। ये हमारा हुआ है बेडरूम, बेडरूम किचन यूटिलिटी, ओके। ये पूजा रूम, ये स्टोर रूम, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये हमारा कॉमन टॉयलेट, ये हमारा बेडरूम, ये हमारा स्टेयर केस, इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, ये हमारा गेस्ट रूम, इस गेस्ट रूम का ये अटैच टॉयलेट, ये हमारा घर का मुख्य दरवाज़ा, ये हमारा पार्किंग, और ये हमारा सामने 5 फीट का पैसेज, और ये पश्चिम दिशा, और ये 10 फीट का मेन गेट। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जो पास वाली बेल आई रहती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।